सर एक ही मिनट। ओके देखो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा। मॉड जेड यदि वन है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड जेड वन है, तो मॉड ऑफ जेड स्क्वायर भी वन होगा। मतलब जेड जेड बार भी वन होगा, मतलब वन अपॉन जेड किसके इक्वल हो जाएगा, जेड बार के। वन अपॉन जेड जेड बार के इक्वल हो जाएगा। तो अब देखो जेड वन का मॉड, जेड टू का मॉड, जेड थ्री का मॉड वन है, वन के इक्वल है। तो कहने का मतलब है कि वन अपॉन जेड वन क्या जेड वन बार के इक्वल हो जाएगा। है ना, जेड वन बार के इक्वल हो जाएगा। और वन अपॉन जेड टू सिमिलरली जेड टू बार के इक्वल हो जाएगा। वन अपॉन जेड थ्री बार के इक्वल हो जाएगा। तो अब ये जो चीज गिवन है कि दिस इज इक्वल टू वन, तो इसको क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन जेड वन प्लस वन अपॉन जेड टू प्लस वन अपॉन जेड थ्री का होल मॉड इज इक्वल टू वन है। तो ये क्या हो जाएगा, इसकी जगह क्या लिख देंगे, जेड वन बार प्लस जेड टू बार प्लस जेड थ्री बार इज इक्वल टू वन। और ये क्या हो जाएगा, जेड वन प्लस जेड टू प्लस जेड थ्री का होल बार इज इक्वल टू वन, और दैट इज मॉड ऑफ जेड वन प्लस जेड टू प्लस जेड थ्री इज इक्वल टू वन। तो पूछा गया कि इसकी वैल्यू बताओ कितनी होगी, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इज इक्वल टू वन। ये समझ आया, यहाँ से ये प्रॉपर्टी क्या लगा दी, जेड बार का मॉड और जेड का मॉड दोनों सेम होते हैं, तो ये प्रॉपर्टी इस तरह से आ जाएगी। सो आंसर क्या हो गया बताओ, ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। राइट ऑन, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। हाँ सर हाँ लिखो, राइट डाउन नेक्स्ट प्रॉब्लम। इफ जेड माइनस वन अपॉन जेड प्लस वन इज प्योरली इमेजिनरी नंबर, प्योरली इमेजिनरी नंबर, ब्रैकेट में लिखो जेड नॉट इक्वल टू माइनस वन, इसलिए दिया गया कि ये नॉट डिफाइंड ना हो जाए, बस और कुछ नहीं, इसलिए दिया गया। ठीक है, देन मॉड जेड इक्वल टू, आपको बताना है कि मॉड जेड किसके इक्वल होगा। दैट इज ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन है वन, बी ऑप्शन है टू, सी ऑप्शन है थ्री एंड डी ऑप्शन है फोर। आंसर करो, देखो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, ये देख लेते हैं। ये बोला जा रहा है कि ये प्योरली इमेजिनरी नंबर है, जेड माइनस वन अपॉन जेड प्लस वन प्योरली इमेजिनरी नंबर। तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, के आई, जिसमें के बिलोंग करता है रियल नंबर, कोई रियल नंबर है के आई, यदि प्योरली इमेजिनरी नंबर है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं हमेशा, है ना, और इसको अपॉन वन लिख देते हैं। और अप्लाई कंपोनेंडो डिविडेंडो, कैसे, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर कर देते हैं, ऐसा ये अप्लाई करते, तो ये कितना हो जाएगा, देखो इन दोनों को ऐड करेंगे, इन दोनों को, तो टू जेड आ जाएगा, टू जेड अपॉन इसमें से ये सबट्रैक्ट करेंगे तो टू आएगा, दैट इज ये वन प्लस के आयोटा अपॉन वन में से ये वन माइनस के आयोटा, ये कट हो गया। तो पूछ रहा है कि मॉड जेड कितना आएगा, तो मॉड जेड इज इक्वल टू मॉड ऑफ के आयोटा वन माइनस के आयोटा। तो ध्यान से देखो, ये मॉड ऑफ वन प्लस के आयोटा अपॉन मॉड ऑफ
वन माइनस के आयोटा। तो क्या ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है, इसका कॉन्जुगेट ये है, तो इन दोनों के मॉडुलस कैसे होंगे, सेम होंगे, सो ये से ये कट हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू वन। तो क्या पूछा जा रहा है, देन मॉड जेड इज इक्वल टू वन, सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। देखो ध्यान से, इज दिस क्लियर? यदि आप कॉम्पोनेंटिव डिविडेंडो नहीं लगाते तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तब भी यही आएगा, जेड इज इक्वल टू इतना ही देखने को मिलेगा। राइट, और नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। लेट जेड वन एंड जेड टू बी टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, such that mod of z1 minus 2z2 upon 2 minus z1 z2 bar is equal to 1, and mod of z2 not equal to 1, 1 ke equal nahi hai, find mod z1। आंसर करो, आंसर दिस क्वेश्चन। बहुत अच्छा बच्चा, आंसर टू ही आएगा, है ना? देखो कैसे करेंगे, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, मॉड ऑफ जेड वन माइनस टू जेड टू इज इक्वल टू मॉड ऑफ टू माइनस जेड वन जेड टू बार लिखा जा सकता है। नाउ स्क्वायर बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं इस चीज को, स्क्वायर बोथ साइड, तो ये कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ जेड वन स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो फोर मॉड ऑफ जेड टू का होल स्क्वायर एंड माइनस टू टाइम्स रियल पार्ट ऑफ जेड वन टू जेड टू बार इज इक्वल टू, यहाँ पे इसका स्क्वायर करेंगे टू स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ दिस स्क्वायर जेड टू बार का होल स्क्वायर माइनस टू टाइम्स रियल पार्ट ऑफ जेड वन इज टू और जेड वन जेड टू बार, ये हो गया। ये इसको एक्सपेंड कर दे, ये फॉर्मूला लगा दिया हमने, ठीक है? तो ये ध्यान से देखो, ये हो क्या जाएगा, मॉड ऑफ जेड वन स्क्वायर फोर मॉड जेड टू स्क्वायर और ये टू बाहर आ जाएगा, देखो टू का मॉड इज सेम एज टू, तो ये टू बाहर आके कितना हो जाएगा, माइनस फोर टाइम्स रियल पार्ट ऑफ जेड वन जेड टू बार, और ये कितना हो जाएगा, फोर प्लस ये मॉड ऑफ जेड वन स्क्वायर मॉड ऑफ जेड टू स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, और ये टू बाहर आके माइनस फोर टाइम्स रियल पार्ट ऑफ जेड वन ये जेड वन जेड टू बार है बच्चा, यहाँ पे ये फुल बार नहीं है, ये फुल बार लग गया, टू टाइम्स रियल पार्ट ऑफ, ये देखो टू टाइम्स रियल पार्ट ऑफ जेड वन इसका बार लगाएंगे तो जेड वन बार जेड टू आएगा, देखो ध्यान से जेड वन बार, क्योंकि इसका बार लगाएंगे तो जेड वन बार और जेड टू का दो बार बार है तो ये जेड टू आ जाएगा, तो इस तरह से ये मिला। सो बाय द वे यहाँ पे जेड वन बार जेड टू आ जाएगा ये इस तरह से। अब देखो क्या ये जेड वन जेड टू बार और जेड वन बार जेड टू बार का रियल पार्ट ये दोनों सेम होते हैं, तो इसको आप कट कर दीजिए और ये वाला पोर्शन लेफ्ट में ले आइए, तो कितना मिलेगा ये देखो मॉड ऑफ जेड वन स्क्वायर एंड माइनस मॉड ऑफ जेड वन स्क्वायर मॉड ऑफ जेड टू स्क्वायर प्लस फोर मॉड जेड टू स्क्वायर माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो, जेड वन स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ जेड वन स्क्वायर जेड टू स्क्वायर प्लस फोर मॉड जेड टू स्क्वायर माइनस फोर, इस तरह से। तो ये क्या हो गया, मॉड ऑफ जेड वन स्क्वायर कॉमन ले लेना वन माइनस मॉड ऑफ जेड टू का होल स्क्वायर
और यहाँ पे माइनस फोर कॉमन ले लेते हैं, वन माइनस मॉड जेड टू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। तो अभी क्या होगा ध्यान से देखो, वन माइनस मॉड जेड टू का होल स्क्वायर इंटू मॉड ऑफ जेड वन स्क्वायर माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो। ध्यान से देखो, अब ये बोला जा रहा है कि मॉड जेड टू जो जेड टू है, जेड टू का मॉड ये वन नहीं है, नॉट इक्वल टू वन। इसका क्या मतलब है कि ये वाले क्वांटिटी कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो, ये जीरो नहीं होगा, तो फिर इसको जीरो होना पड़ेगा। दिस इंप्लाय मॉड ऑफ जेड वन स्क्वायर माइनस फोर इक्वल टू जीरो, दिस इंप्लाय मॉड जेड वन इज इक्वल टू टू आ जाएगा। मॉड हमेशा पॉजिटिव नंबर होता है, नेगेटिव नहीं होता है, तो मॉड जेड वन इज इक्वल टू टू। आई होप यू गॉट दिस आंसर। देखो द आंसर, नोट डाउन दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, इफ ओमेगा इक्वल्स अल्फा प्लस आयोटा बीटा, वेयर बीटा नॉट इक्वल टू जीरो एंड जेड नॉट इक्वल टू वन, सेटिस्फाइज the condition that condition satisfy the condition that omega minus omega bar z upon 1 minus z is purely real, then the set of values of z is, आपको बताना z का set of values क्या क्या होगा। A option लिखो, ये set है z such that mod z is equal to 1। B है जेड सच दैट जेड इज इक्वल टू जेड बार। सी ऑप्शन लिखो, ये जेड है सच दैट जेड नॉट इक्वल टू वन। एंड डी ऑप्शन है, जेड सच दैट मॉड जेड इज इक्वल टू वन एंड जेड नॉट इक्वल टू वन। आंसर इट। अच्छा देखो, ये क्या बोला जा रहा है कि ये प्योरली रियल है, तो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल होने का मतलब है कि वो जेड इज इक्वल टू जेड बार आएगा, ऐसा लिख सकते हैं ना, यदि प्योरली रियल है तो यही कंडीशन इस पर अप्लाई कर देते हैं। तो यदि ये प्योरली रियल है तो ओमेगा माइनस ओमेगा बार जेड अपॉन वन माइनस जेड इज इक्वल टू इसका कॉन्जुगेट करेंगे तो ओमेगा बार माइनस इसका डबल हो जाएगा, तो ओमेगा जेड बार अपॉन वन माइनस जेड बार ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना, क्रॉस मल्टी, तो ओमेगा माइनस ओमेगा बार जेड इंटू वन माइनस जेड बार, थोड़ा कैलकुलेटिव है ये, है ना, बट ठीक है, ओमेगा बार माइनस ओमेगा जेड बार ऐसा आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, इसको मल्टीप्लाई करें तो कितना मिलेगा, ओमेगा माइनस ओमेगा बार जेड और ये माइनस ओमेगा जेड बार, और ये इसमें मल्टीप्लाई होगा प्लस ओमेगा बार जेड जेड बार इज इक्वल टू इसका वन में इसमें ओमेगा बार माइनस ओमेगा जेड बार और माइनस जेड ओमेगा बार और प्लस ओमेगा जेड प्लस जेड ओमेगा या प्लस ओमेगा जेड जेड बार ऐसा सिचुएशन आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो कि ओमेगा बार जेड
ये कट हो रहा है इससे, ओमेगा जेड बार ये कट हो रहा है, तो इन सब को इधर ले आओ, तो ये क्या ओमेगा माइनस ओमेगा बार और प्लस ओमेगा बार मॉड जेड का होल स्क्वायर हो रहा है माइनस ओमेगा और ये मॉड जेड का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो, ऐसा सिचुएशन। तो ओमेगा माइनस ओमेगा बार आ रहा है प्लस मॉड जेड का होल स्क्वायर कॉमन ले ले, या माइनस ले लेते हैं क्योंकि ये रिक्वायरमेंट है माइनस की। तो ये कितना हो जाएगा ओमेगा माइनस ओमेगा बार इक्वल टू जीरो, ऐसा सिचुएशन आ गया। तो अभी देखो ओमेगा माइनस ओमेगा बार कॉमन लिया तो वन माइनस मॉड जेड का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो। अब ये क्या बोला जा रहा है कि बीटा जो है बीटा नॉट इक्वल टू जीरो, बीटा नॉट इक्वल टू जीरो तो क्या ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा बार हो सकता है? ओमेगा इक्वल टू ओमेगा बार का मतलब है कि ओमेगा इज प्योरली प्योरली रियल। यदि ऐसा हो रहा है मतलब यदि ये जीरो के इक्वल करें तो ये कह रहा है कि ओमेगा जो होगा वो प्योरली रियल है, बट यहाँ ऑलरेडी कह रखा है कि बीटा जीरो नहीं है, बीटा जीरो नहीं होगा तो प्योरली रियल तो होगा नहीं, ये इमेजिनरी नंबर होगा ओमेगा। तो मतलब कहने का मतलब है कि ये जीरो नहीं हो सकता है, तो फिर क्या होगा वन माइनस मॉड जेड का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो, मतलब मॉड जेड इज इक्वल टू वन आ जाएगा। ठीक है, अब मॉड जेड इज इक्वल टू वन तो आ जाएगा, लेकिन देखो यहाँ पे मॉड जेड इज इक्वल टू वन तो ए भी है ना, और सी तो हो नहीं सकता और डी भी है, लेकिन इसमें देखो कि यदि जेड की वैल्यू वन हो गई तो फिर ये तो डिफाइन ही नहीं होगा, जेड की वैल्यू वन हो गई तो डिफाइन नहीं होगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू रिमूव जेड इक्वल टू।